देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में शामिल हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में कई विदेशी छात्र राम भक्ति में राम गीत गुनगुनाते नजर आए। इस ग्रुप को केन्या के एक छात्र मैथिस लीड कर रहे हैं। मैथिस के अलावा इस ग्रुप में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल के छात्र भी शामिल हैं। कोई केन्या से है, कोई बांग्लादेश से, तो कोई नेपाल से, और हर किसी के जुबान पर है प्रभु श्री राम का नाम। नोएडा के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र राम भक्ति में मगन दिखाई दे रहे हैं। छात्रों के इस ग्रुप को केन्या के एक छात्र मैथिस लीड कर रहे हैं। मैथिस के अलावा इस ग्रुप में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल के छात्र शामिल हैं। इन सभी छात्रों का कहना है कि उनके सारे दोस्त इस वक्त राम की भक्ति में मगन हैं और वो भी राम उत्सव में शामिल होना चाहते हैं। खास बात यह है कि राम भजन तैयार करने में इन्होंने महज एक दिन का वक्त लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैथियस है, केन्या से हूँ मैं। आप केन्या से हैं, तो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि आप राम को लेकर जो है पूरा वो तैयार करें? तो बचपन में लखनऊ में रहता था, तो वहाँ पे तो बहुत सारे श्री राम और कृष्णा की चीजें गाने तो गा रहा था, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मैसेज मिलता है। तो ऐसे कितना टाइम लगा आपको ये तैयार करने में? मैंने तो ये न्यूज कल मिला तो एक दिन में तैयार कर लिया। अरे सब तो एक दिन में सब तैयार हुआ। तो आप कहाँ से हो, क्या नाम है? मैं उपोग्या मानंदर हूँ और मैं भूटान से हूँ। आप भूटान से हो, तो ये सब कुछ नया था आपके लिए या पहले से ही बॉलीवुड गाना शुरू कर दिया था? हाँ, सुनते थे वहाँ पर हम बॉलीवुड गाने, तो आई वाज यूज्ड टू इट। सबको पता ही है कि सीता जी नेपाल से थे, तो बचपन से ऐसा कुछ नहीं कि ये इंडिया में ही होता है। हम बचपन से ही जब वही हुई क्रियो अब यही सुनते सुनते बड़े हुए कि राम जी सीता जी, तो ऐसा नहीं था कि इंडिया आने के बाद ये न्यू था। हमें पता था कि ये जो राम मंदिर में पत्थर यूज हुआ है जो स्टैचू बनाने के लिए, वो भी नेपाल से ही आया है। एंड देन अगेन जिस दिन 22 को यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठा हो रहा है उसी दिन नेपाल में भी राम मंदिर का हो रहा है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। यूनिवर्सिटी की महिला एनसीसी कैडेट ने भी राम भजन तैयार किया है। जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। 22 तारीख को यूनिवर्सिटी में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें अलग अलग छात्र और उनका ग्रुप परफॉर्म करेगा। नोएडा से मनीष रसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।